जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल नंबर टू, टॉपिक नंबर टू एंड थ्री की तरफ मूव करना है, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्ज़ाम्पल्स में से है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर वन में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और उसकी एक एग्ज़ाम्पल मास एंड स्प्रिंग सिस्टम को देखा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो तो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन की ही एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, हमारे पास हमेशा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमेशा मीन पोजिशन की तरफ जा रही होती है। इसी तरह की उसने सेकंड नंबर पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दी है जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और अक्सर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रही होती है। बॉल एंड बाउल सिस्टम को लेते हैं हम लोग। बॉल जो है वो एक गेंद को कहा जाता है और बाउल जो है वो एक आम तौर पे कोई सा भी प्याला ले लें। यूजुअली बच्चे इस तरह के खेल खेलते हैं घर में, एक यू करके हमारे पास बाउल होता है, उसके अंदर एक बॉल को रख दिया और फिर उसको कभी यहाँ मूव करवाएंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ और कभी यहाँ। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है जो कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ये जो बॉल है ये ओ पोजीशन पे है, अभी ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो ये बॉल एक बाउल में पड़ा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस बॉल का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इस बॉल का वेट जो है दैट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज़ इक्वल टू एम जी, एंड एज अ रिएक्शन सम अदर फोर्स इज़ ऑल्सो एक्टिंग। तो इस बॉल पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो नीचे की तरफ जो इसका वेट एक्ट कर रहा है वो एम जी से शो किया और ऊपर की तरफ जो एक्ट कर रही है वो रिएक्शन फोर्स है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर क्या हुआ, फिर हमने इस बाउल को थोड़ा सा हिला दिया और बॉल जो थी वो यहाँ से घूमती हुई जो है वो चली गई कहाँ पर, ए पॉइंट की तरफ, यहाँ पर चली गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जाकर वो वापस यहाँ आई और यहाँ पर जो है वो फिर यहाँ गई और यहाँ से आके फिर वो वापस यहाँ आई। उस तरह से उसने अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब कोई भी हमारी चीज़ चली जाती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके यानी पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे जाके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉल भागती हुई पॉइंट ओ की तरफ वापस आ जाती है, और पॉइंट ओ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है जिसकी वजह से वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाती है और वहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो हो जाती है तो वो मीन पोजीशन ओ की तरफ वापस आ जाती है। इस केस में यहाँ पर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉल इज़ जेंटली डिस्प्लेस, जब हम लोग बड़े आराम से बॉल को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बाउल, एक बाउल के सेंटर में से उसको हिला के दूसरी साइड पे ले गए, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। तो ये क्या करता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, यानी ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जैसे कि एक झूला वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो अबाउट द सेंटर, सेंटर से। ठीक है, क्यों करता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विच एक्ट्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। अब इस बॉल एंड बाउल का जो केस है, इसके केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स यानी जो ऐसी फोर्स जो वापस बॉल को उसकी मीन पोजीशन ओ की तरफ लाने पे मजबूर करती है वो ग्रेविटी भी है, क्योंकि इस केस में हमारे पास वेट का कंपोनेंट भी उसने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो किस वजह से हो रही होगी, वो ग्रेविटी की वजह से हो रही होगी, जिसकी वजह से बॉल जो है वो ए से ओ और बी से ओ की तरफ मूव कर रहा होता है। इस तरह से ये वाइब्रेट करता है। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम की जो एग्ज़ाम्पल है ये भी बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है, ये भी पूछी जाती है ज़्यादातर हमारे हेड ऑफिस वाले जब एग्ज़ाम का पेपर बना के भेजते हैं तो उसमें वो ये कहते हैं कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन विद द एग्ज़ाम्पल ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो उसमें आप लोग ये करते हैं, अब ये जो सारा पैराग्राफ है इसमें वही बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई, जो थोड़ी सी समझने वाली बात है वो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी कर दी हुई है। ये देखिएगा अंडरलाइन में लिखा हुआ है, ये दिस इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल। ये जो मोशन है ना ये टू एंड फ्रो मोशन है बॉल की, विच इज द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, कंटिन्यूज इज अबाउट द मीन टिल
उस वक़्त तक ये कंटिन्यूज़ रहेगी मीन पोजीशन की तरफ वाइब्रेट करती रहेगी टिल कब तक ऑल इट्स एनर्जी इज़ लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी तमाम की तमाम एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया नहीं हो जाती। अब देखें कोई ना कोई यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है जो इस बॉल को ए से बी और बी से ए की तरफ मूव करवा रही है, ठीक है। अब एनर्जी एक ऐसा कंपोनेंट है विच इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर लॉस्ट, तो ओनली ये अपनी वाइब्रेशन जो कंटिन्यू इसने कर ली है सिंपल हारमोनी मोशन जो ये बार बार ए से बी ओ की तरफ जा रहा है और ओ से बी की तरफ जा रहा है, वो कब तक करता रहेगा? तब तक करता रहेगा जब तक के तमाम की तमाम एनर्जी इसकी फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हो जाती। जब इसकी सारी की सारी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो जाएगी तो ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा और फिर फाइनली आकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें इसीलिए कर दी ताकि आपको समझ आ जाए, और बाकी जो भी बातें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो इस पैराग्राफ में सिंपल वर्डिंग में लिखी हुई हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लें। और ये बॉल एंड बाउल सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लें, ये मैंने आपको समझा दिया।